3 जनवरी को ये रिलीज हो रही है ऑल ओवर इंडिया में। और इस मूवी का थोड़ी सी हिस्ट्री मैं बता दूं कि पहले हमने इसको फेस्टिवल में भेजा इंडिया, और इंडिया से बाहर भी इसको अच्छे खासे अवार्ड मिले हैं। स्पेन में हमें 3 अवार्ड मिले, लंदन में हमारी पिक्चर सिलेक्ट हुई, रूस में भी ये सेमीफाइनल तक गई है, और इंडिया में चेन्नई बेस्ट थ्रिल मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, कई सारे अवार्ड हमें मिल चुके हैं। काफ़ी बड़े बड़े एक्टरों ने हमारी पिक्चर में काम किया। एक तो आपके सामने बैठे हैं मिस्टर कुलदीप सरीन, इनकी अभी हाल ही में एक पिक्चर बहुत सुपर डुपर हिट हुई है, सांड की आँख, जिसने देखी है तो अच्छा काम, बहुत अच्छा इन्होंने उसमें काम किया है। और हमारे पिक्चर में एक हेमंत पांडे जी हैं, एक गुलशन पांडे जी हैं, और जो सबसे प्लस पॉइंट हमारी जो मूवी का है, हमारी मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो तुची रैना जी, और इनके इस पिक्चर में म्यूजिक के पीछे भी एक छोटी सी हिस्ट्री है। हाँ भाई, क्योंकि हम कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं है, बहुत छोटे से जैसे गली मोहल्ले सेंटर से पीछे तुम्हारे मंडियाओं से प्ले करने वाला बंदा एक पिक्चर बनाने निकलता है। अब जैसे तैसे मिलके पिक्चर बनाई, फेस्टिवल में भेजी, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अब इसको आगे कैसे लेके जाए। अब उसके लिए म्यूजिक चाहिए, पहले म्यूजिक नहीं था, गाने नहीं थे, तो मैं इनके पास गया, मैं कहा गुरुजी बोलता हूँ इनको, मैंने कहा गुरुजी पिक्चर ने अच्छा खासा नाम कमाया, लेकिन रिलीज करनी है और उसके लिए गाने म्यूजिक देना पड़ेगा। कह रहे फिर खुदा ना, मैंने कहा दोगे तो आप ही लेके, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है तो इनके मैं पीठ पीछे भी कहता हूँ और आज इनके मुंह पे भी कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा यार तेरे से पैसे मांग कौन रहा है तू बोल ना, तो इन्होंने अपना 2 गाने इसमें हमारे लिए दिए हैं और बहुत अच्छा म्यूजिक दिया। और आज अभी एक गाना लाखों लोग उसको देख चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में एक कल रिलीज होने वाला है इनका एक ढोलना करके बहुत क्लासिकल गाना है, और इनकी एक स्टूडेंट है रप्पा भी ने, और इनका डुएट गाना है वो। और थोड़ा सा जो है कि जो अभी इसको जो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम थी कि रिलीज तक लाने के लिए मेरे बस की नहीं था ये काम कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको रिलीज करूँगा। उसके लिए जो है मुझे कहते ना कि किस्मत में लिखा, अगर आदमी पूरे कायनात जुट जाती है अगर उनको दिल से काम कर रहा है, तो मुझे मेरे फिर मुझे प्रोड्यूसर मिले मिस्टर दिनेश अहिर और भरत कवाड और दीपक वशिष्ठ, इस लेवल तक पहुंचाने में इनका सबसे बड़ा हाथ है। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं इस पिक्चर को कभी रिलीज नहीं कर पाता। अब थोड़ा सा अनुभव हमारे ये एक्टर मिस्टर कुलदीप सरीन बताएंगे आपको इस पिक्चर में कैसे कैसे इन्होंने काम किया। पहली बात तो नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ इतने बड़े एक्टर तो ले लेते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोलूंगा आप सभी का शुक्रिया, आप जो यहाँ तक पहुँचे मीडिया के सारे दोस्तों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि अभी केशव आर्या जी ने बोला कि आप सब लोग को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत छोटे से सेटअप से एक थिएटर रन कर भी जो मंडी हाउस के अंदर थिएटर करता था आज फिल्म बना रहा है, तो बड़ी बात है अपने आप में एक बड़ी। कहाँ से वो पैसा जुटाएगा, कहाँ से किसको कन्विंस करेगा फिल्म बनाना, जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर है अब बहुत ज़्यादा हावी है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। अब छोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए बस की बात नहीं है कि वो किसी तरीके से सिनेमा हॉल तक फिल्म ला पाए, और अगर फिल्म बन भी गई है तो उसको फिर प्रमोट करना, डिस्ट्रीब्यूटर, सिनेमा हॉल तक लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत लंबी लड़ाई है। और पिछले 2-3 फिल्में मैंने कुछ छोटे बजट जानबूझकर बोलना पड़ेगा कि छोटे बजट की फिल्म मैंने छोटे बजट की फिल्म है जिसके पास में बहुत बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है, तो इस तरह की 2-3 फिल्में मैंने अभी बीच में की हैं, दोस्तों की फिल्में थी, और दोस्तों की फिल्मों में आपको आगे आना पड़ता है क्योंकि सहयोगी हैं, रंगकर्मी हैं, तो हम ही लोग नहीं आएंगे तो फिर बेचारे फिर वो कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने कोशिश की है, उसको सलाम है, इनके प्रयास को सलाम है, और आप लोगों से यही दिली गुजारिश भी है, हम आपसे ये चाहते हैं कि आप इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा किस लेवल पे कहाँ क्या शेयर करवाएंगे या क्या करवाएंगे, ताकि ये एक आम जनता तक, एक आम जो भी हमारे फिल्म को चाहने वाले जितने भी दर्शक हैं वो इस फिल्म को सिनेमा हॉल पर जाकर फिल्म ज़रूर देखें। एंड मैं इस फिल्म में बताना चाहता हूँ केशव आर्या जो इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, इन्होंने शायद अपने बारे में नहीं बोला, इस फिल्म के मेन रोल में यही है,
और मेरा इस फिल्म में कैसे आना हुआ, लगभग जैसे इन्होंने बताया कि एक शॉर्ट फिल्म के फॉर्मेट पे हम लोगों ने फिल्म शुरू की थी, एक शॉर्ट फिल्म बना रहे थे हम लोग। तो शॉर्ट फिल्म से जैसे जैसे लोगों ने देखा, अवार्ड में गई, जब अवार्ड्स मिलने शुरू हो गए तो फिर लगने लगा कि अब क्या किया जाए, तो पैसा चाहिए होगा उसके लिए। कुछ लोग इस बीच नए आए, जैसे दिनेश जी आए, कुलदीप वशिष्ठ एक और हैं वो आए, और एक कोई और हैं भरत कवाड़, तो वो आए, उन्होंने फिर कहा कि हम पैसा लगाते हैं। फिल्म ने फिर बड़ा रूप ले लिया, जिसमें अब इनकी लड़ाई शुरू होती है कि तोची जी को कॉन्टैक्ट किया, जैसे कि इनके गुरु जी हैं, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं हर शर्तों में मजबूर हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका स्वागत है फिल्म में, मैं म्यूजिक भी करूँगा, जो भी है जो सेवा चाहिए दूंगा। इस तरीके से इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, वही शर्त है कि पैसा नहीं है, तो अब आप कैसे करेंगे काम, आप देख लीजिए। तो बहरहाल फिर वो फिल्म क्या है, मेरा रोल क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अगर सिनेमा में दिखूंगा मैं तो मैं क्या कर रहा हूँ उसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो उसमें 3-4 दिन की जद्दोजहद रही, जैसे कि उन्होंने कहा भी और एक्टर हैं, पैसा कितना है, डेट क्या है, चलिए करते हैं हम आपके साथ काम। तो मेरे साथ ऐसा नहीं है, चाहे मैं बहुत बड़ा एक्टर नहीं हूँ, बड़ा छोटा कुछ नहीं होता, एक्टर एक्टर होता है। इतने साल मैंने भी दिल्ली में थिएटर किया है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल में रहा हूँ 5 साल, और तकरीबन 17-18-19 साल दिल्ली में प्योर थिएटर किया है। और ये भी दिल्ली के हैं तो फिर एक मोहब्बत सी हो जाती है कि अपना ही रंगकर्मी आदमी उठ के चलना चाह रहा है तो उनका सहयोग किया जाए। तो बस इस तरीके से मैंने फिल्म को सुनने में थोड़ा सा टाइम लिया, 4-5 दिन मैंने इनका टाइम लिया, अल्टीमेटली मुझे समझ में आ गया, और आज आप लोगों के सामने 3 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, 3 जनवरी को। तो मैं सारे दर्शकों से आपके चैनल के माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ छोटी हुई ये प्रयासों की फिल्म है, इस प्रयास जो इन्होंने किया है, तो ये प्रयासों की फिल्म को प्लीज़ दर्शक ज़रूर एक बार सिनेमाघर तक जाए, उसको अपना आशीर्वाद दे, और आप सभी चैनल के जितने भी लोग हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको थोड़ा सहयोग करें हम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगा कि पहले दीना अपने बारे में बताएं फिल्म। अच्छा ओके राइट, चल की प्लानिंग बना रहा था, तो ये मेरे साथ इस जो मूवी की हीरोइन है वीना चौधरी, तो मेरे थिएटर ग्रुप से ही साथ में है, और शुरू से ही ये इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, और ये एक ऐसी शख्स है कि इसने पैसा लेने के बजाय मेरी उल्टा इसमें इस मूवी में हेल्प की अपने आर्थिक रूप से, इसने को मुझे जैसे कि एक्टर को मेरे को देना चाहिए, इसने मुझे खुद 50,000 रुपये इस पिक्चर में दिए हैं करने के लिए। मैं कहा अगर पिक्चर हिट होगी तेरे कई गुना करके दूंगा। ये अब ये थोड़ा सा अपने बारे में खुद बताएगी। मेरा नाम वीना है, मैं सेकेंड लीड हीरोइन हूँ मूवी की, और ये मेरी फर्स्ट मूवी है, और अच्छा लगा मुझे इस मूवी में काम करके, क्योंकि सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, काफ़ी मेहनत लगी है इस मूवी को करने में हम लोगों को, और काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा है, फिर भी हम लोगों ने जैसे तैसे करके इस मूवी को पूरा किया, कुछ गाने ऐड किए इसमें, और आप सुनेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे वो गाने। फाइनली अब मूवी रिलीज होने वाली है, सब लोगों की काफ़ी मेहनत है इस मूवी में, तो आशा करते हैं कि आप सब इस मूवी को देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे हमारे काम को, हमारी मेहनत को, और चाहेंगे कि आप बाकी लोगों को भी बोलें कि हमारी मूवी को देखें, और हमें अपना सहयोग दें। शुक्रिया। अंतर्व्यथा, मेरी भी कुछ अंतर्व्यथा ऐसी है कि मेरे डैडी की पोस्टिंग नेपाल में थी, और मेरी उम्र थी 12 साल की, और मैं क्वार्टर जो मिला हुआ था सामने शमशान घाट था, और मैं उस 7th स्टैंडर्ड में मुर्दों को देखा करता था, और समझ में नहीं आता था कि क्या है ये, लेकिन एक साल बैठने के बाद में समझ में आया कि ये कौन है जो संसार से चला गया। तो मैं 100 रुपये लेके भागा था, आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस दिल्ली के अंदर में मैंने 22 साल बिताए हैं, और जब मैं आया था तो मेरे पास घर भी नहीं था, मैं रोड पे सोता था। फिल्म आई तो इसके दिमाग में कुछ कहानी थी, तो मैंने एक ट्रैक बनाया हुआ था सूफी सिम्फनी अरेबिक, और वो गाना कहीं रिलेट कर दे इसकी स्टोरी से, मेरे को बोला मैं सुन ले, कह रहे यही गाना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे प्रोड्यूसर साहब बोले
यही गाना चाहिए, हिट है ये गाना, जो बोलना है वो गाना। उसकी पोइट्री भी मैंने बहुत जबरदस्त लिखाई, एक छोटा सा ही बच्चा है झारखंड का, और उसको मैंने बोला ऐसा लिख, मुखड़ा लिख के दे दिया मैंने, तो कहते दादा आप इतना बढ़िया लिखते हो, मैं जब मैंने ही लिखता हूँ, जो वो दे देता है मेरे को मैं आगे सरका देता हूँ, नींव रख दिए आगे बढ़ो। तो नाम है उसका करण मस्ताना, उसने भी किसान का बेटा है, बहुत स्ट्रगल किया, आज भी उसकी स्ट्रगल चल रही है, देखता हूँ कभी परेशान हो जाता तो मेरे को फ़ोन करता है, दादा परेशानी चल रही है, मैं आ जा, सारा दिन बैठता है हफ्ते में 10 दिन पे जाते हुए चुप करके उसके जेब में पैसे, किसी वक्त मैं जब यहाँ रहता था मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मेरे गुरुजी हफ्ते के 200 रुपये देते थे, और मैं इसी लक्ष्मी नगर से कालका जी अल्पनंदा मंदिर के सामने रहते थे, पैदा जाता था और पैदा होता, मेरा स्ट्रगल ही है। सोची ना मेरे को आज पूरी दुनिया जाती है कि मैं आया था एज ए कंपोजर बन करके, और जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो 1.5 साल एनालाइज किया, और एनालाइज करते करते देखा कि यार नाम त्रिलोचन जो शिव जी का है मुझे कुछ अलग करना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन के एक आयस शॉर्ट कर दिए, तो मैंने तोची नाम रखा, और तोची उस पहाड़ का नाम है जो चाइना में है जहाँ पे शिव जी ने आराधना की है, और चाइनीज नेम है तोची, जैपनीज नेम है रैना, मैं कश्मीरी हूँ तो रैना तो है ही, पैसे देना है इसलिए रहना है। तो ये सारी कहानी करते 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 जब इस फिल्म को देखा मैंने, इस फिल्म की स्टोरी को पढ़ी, और जब मेरे को बोले मेरी भी एक सेवा है क्योंकि 20-22 साल हो गए मुझे भी सिखाते हुए, आज भी मैं इतने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, मैं 1 रुपये नहीं लेता, 5 घंटे 6 घंटे सिखाता हूँ, 1 रुपये नहीं लेता, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको फिलोसफी बताता हूँ कि वो आज के बच्चे आने वाली जनरेशन को क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे, म्यूजिक कहाँ जा रहा है, वो क्या सिखाएंगे, सीखना कोई चाहता नहीं है, गुरु की रिस्पेक्ट है नहीं, म्यूजिक का स्टैंडर्ड जो यहाँ था वो नीचे चला गया है, उठाएगा कौन, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, वेस्ट वाले आकर के हमारी चीज़ को लेके जा रहे हैं, हम वेस्ट के पीछे जा रहे हैं और अपना भूलते चले जा रहे हैं, इनको जगाएगा कौन, मैं यही सब लेकर के चल रहा हूँ, और इतने सारे बच्चों को तैयारी करा रहा हूँ, और अपने ही बच्चों को सिखा के अपने बैंड ऑफ बंदगी के अंदर में मैंने प्रोजेक्ट भी किया, मेरे चैनल यूट्यूब पर आप देखिएगा, कोशिश रहना करके बैंड ऑफ बंदगी का प्रोजेक्ट है, जुगनी अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड घूम रही है, आप सुनिएगा मेरे प्रोजेक्ट सारे, एंड फिल्म का जो गाना है वो गाने को सुनने के बाद में लगेगा कि हाँ किसी इंसान ने लाइव म्यूजिक को जिंदा किया है, मैंने पूरा लाइव किया है उस गाने में, वायलिन वीला चेलो डबल बेस पूरा सिम्फनी किया उस गाने को, आप ढोलना भी सुनिएगा आपको लगेगा कि हाँ जिस इंसान ने एक पेड़ को काट करके वायलिन बनाया कुछ सोच के बनाया, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए कुछ सोच करके, इतने बड़े बड़े म्यूजिशियंस आए, और आज कहीं ना कहीं साउंड हमें डिस्टर्ब करके रख दिया, क्योंकि डेविल की कहानी शुरू होती है वहाँ से, और साउंड ने सबको नचाना तो सिखाया है लेकिन अंदर जाना जो है वो दरवाजे को बंद कर दिया है, शायद तोची रन्ना बैंड ऑफ बंदगी उसको लेके आ रही है। तो मेरी अंतर्व्यथा ये थी, केशव की अंतर्व्यथा ये थी, वो मैच हो गई, और कितनी मशक्कतों के बाद में एक इंसान अपनी जिंदगी की जर्नी को किस तरीके से पेश करता है, और उसमें सबसे बड़ा आग्रह होता है आप लोगों के लिए तालियां होनी चाहिए, आपके लिए नहीं, सबसे बड़ा दोस्त अगर मानता हूं मैं किसी को तो मैं सोशल मीडिया को मानता हूं, क्योंकि विचार से विचार निकलते हैं, तभी विचार आप वहां तक लेकर के जाते हो। अब एक इंसान के पास में पैसा नहीं है, वो कैसे यहां तक पहुंचा है, उसको वहां पहुंचाने का काम आप करते हो, बहुत बड़ा रोल तो आप करते, आपके रोल से गुजरने के बाद फिर वहां पहुंचती है, आप लोगों के तालियां, और मैं तो प्रे करता हूं कि मालिक आप जैसे लोगों को हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, सही मैसेज सही जगह तक पहुंचनी चाहिए, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, फिल्म बनती है जुनून और जज्बे के साथ और टीम स्पिरिट के साथ, क्योंकि तो एक कैमरा तो इधर भी है, जिस इंसान ने इस कैमरे के अंदर जाकर के अपने आप को देखा हो और इस कैमरे से इस कैमरे के अंदर में देखा हो तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी बता दें, क्योंकि मैं ब्लैक बेल्ट भी हूँ ताई ची ब्लैक बेल्ट, और मैं बॉडी लैंग्वेज को पढ़ करके देख लेता हूँ कि ऑरा मेरा क्या कहता है, ये ऑरा जो है आने वाली जनरेशन के अंदर में होना चाहिए, वो ऊर्जा का संचार होना चाहिए, अपनी मिट्टी की फिलॉसफी जिंदा होनी चाहिए जो आज नहीं दिखती है। मैं यही कहूँगा कि हमारी टीम ने इतनी मेहनत की है अंतर्व्यथा के प्रति, और ये अंतर्व्यथा दुनिया में हर इंसान के अंदर में है, इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं नानक दुखी है सब संसार, जिसके पास है वो भी दुखी, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी, निकलना कैसे बाहर वो जानना जरूरी है, और जब तक हम नहीं मिलेंगे हम रास्ता कैसे दिखा सकते हैं, जो मेरी सोच है वही आप ही की है, मेरा प्लस पॉइंट यही है कि मैंने फाइव एलिमेंट सेवन चक्र से मेडिटेशन को बांध दिया, एंड प्रैक्टिस अगर किया तो 6 घंटे बैठ के किया तो 6 घंटे खड़े होके भी किया,
एक माइकल जैक्सन था, एक तोची रहना है, माय मतलब मेरा कल मतलब टुमारो जैक एंड सन ऑफ गॉड इधर भी, तो मेरी सोचने का नजरिया अलग है। बस यही कहूंगा, कुलदीप भाई के बारे में इतना बोलूंगा कि मेरे बहुत अच्छे मित्र मेरे भाई हैं। डॉन आपने देखी होगी, बहुत सारी फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट सुहास भी की देखी होगी। अनुराग कृष्ण मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, आंटी आप, बहुत सारी फिल्में हैं, मतलब मैं बताऊं नहीं, और कमाल के एक्टर हैं। मैंने खुद एक फिल्म लिखी है, अभी इनको कहानी सुना ही रहा था, सुना रहा था मैं, और कहानी सुना रहा था, इतने में पीछे से पर्दा हटा, मैं बोला गन मिल गई है। कहानी कुछ ऐसी थी, पर्दा हटा, मैं कहा लो जी गन पहले ही आ गई है, तो वो भी सीन हो गया एकदम। तो ये जर्नी जो है ना, ये एक मैसेज है, इस मैसेज को एक डायरेक्टर राइटर और पूरी टीम के अंदर जो कैरेक्टर्स है, ब्रह्मांड तो हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं जब हम बैठ करके देखते हैं अंदर, और उसको एक इंसान कितनी मेहनत के साथ पर्दे पे पहुंचाता है। फिल्म देख के तो आते हैं, लेकिन फिल्म के मैसेज को कितना अंदर तक ले जाके प्रोजेक्ट करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं मिसिंग दिखती है जो मैं देखा अभी तक। यही है कि एक इंसान किस तरीके से लाया फिल्म, आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो फिर दोबारा कंधे के साथ एक नई कहानी को लेकर के आए और मैसेज पहुंचाए। फिल्म में मैसेज ही होता है, और सही मैसेज पहुंचना चाहिए लोगों तक, इससे ज्यादा क्या कहूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सफा खाना का उड़ जाने उड़ जाता हूँ, उजड़ा चमन का ट्विंकल ट्विंकल, और ये जो मेरी कंपोजिशन है ये सूफियन है, अरेबिक की कहानी कुछ बलूचिस्तान से चलती है, रवाब की कहानी है, तो वहाँ से कैसे वो वेस्टर्न में चली जाती है, है। बहुत अलग प्रोजेक्ट है वो, मैं सुनाता हूँ। इश्क दिया गल्लां मैं किसनों सुनावा दे सजना, दे सजना जोगी बन बन फिर दारवा जोगी बन बन फिर दारवा वे सजना वे सजना ये जो सिंगर है वो मेरी स्टूडेंट ही है, वो लंदन रहती है, रबाबी, उसने गाया पूरा सोलो गाना है उसका, मेरा एडलिब है शुरू में और एंड में, और पूरा सिम्फनी किया हूँ, आप लोग सुनिए आपको बहुत मजा आएगा। बहुत नीचे वाले नोट पे गाया, क्योंकि जब तक सुर नहीं मिला।